वचन नहीं होता है ना, वैसे एक घर में दो ब्रेन नहीं होने चाहिए। अगर तेरी खोपड़ी में ब्रेन है, ये ब्रेन वाली खोपड़ी नीचे कर, ऊपर कर, इधर देख। कितना ही? ओए, ये लो, जाके दो दो, कल ऑफिस में पहन के जाना है। अभी के लिए यहाँ रहने दीजिए, खाना पक गया होगा, ठीक कर आती हूँ। काम का नहीं और दिन भर बैठते रहता है। दो और एक को मिलाकर तीन ही होते हैं ना। यामे, मेरे स्कूल के हिसाब से। जी हाँ। दरवाजे पे कौन है, जाके देखो तो। रुकिए रुकिए, आ रही हूँ। जल्दी देखो, बोला है ना। रुकिए, आ रही हूँ, आ रही हूँ। अरे ताई जी, भाभी जी अभी आए। तंजा है के घर पर? हाँ, अंदर पे है, आइए। अरे मॉर्निंग तंजा। हाँ मॉर्निंग। ओ भाभी जी भी आए हैं। बेटे यहाँ बेटे। हाँ बोलिए। और तुम यामी, दरवाजा खोलने के लिए इतना देर लगता है, आलसी औरत। हाँ बोलिए। वैसे तंजा, हम एक बिजनेस का बात के लिए यहाँ आया था तो। अभी तक खड़ा खड़ा है, क्या देख रहा है? तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जाओ जल्दी चाय बना के लेके आओ। जी अभी बना के लाती हूँ। कैसा हस्बैंड है? अरे तान्या ऐसे मत बोलो ना यामी को। ऐसे ही है भाभी जी, वो बिना बोले कुछ भी काम ढंग से नहीं करता है। फिर भी वो आपका वाइफ है। हाँ छोड़े भाभी ये सब फालतू बातों को। यामी जी हाँ, चाय जल्दी लाओ, बोला था ना। यामी ला रही हूँ, ला रही हूँ। आगे देखते हैं हम दोनों क्या करेगा ना मिलके। जी हाँ अभी लाएगा, क्यों इतना ले लाता है, क्या कर रहा था इतना देर किचन में? क्या तन्या, ये तो आप हद से ज्यादा कर रहे हैं। कोई इस तरह अपना नौकर का साथी बर्ताव नहीं करता है, और अगर करता भी है तो उसको मंथली सैलरी देते हैं। और ये तो आपका बीबी है। मेरा बीबी है, मेरा मर्जी है, उसमें आपको क्या हुआ है? यामी आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप कैसे ऐसे बर्दाश्त करते हैं? ताई तेरा बीबी क्या बोल रहा है, मेरा बीबी को भरका रहा है, इसको देखने भी दिन है, ले जाओ इसको। ए याना, यहाँ बिजनेस का बाजी चल रहा है ना, तो चुपे तो ना। हाँ सुनो तान्या, आप जैसा वाइफ का वजह से वुमेन एम्पावरमेंट मीनिंगलेस हो रहा है। अरे फिर और इनका जैसा हस्बैंड का वजह से हमारा सोसाइटी मेल डोमिनेंट हो रहा है। याना चुपे तो नहीं, छोड़िए, आप हमको चुप करा रहे हैं। और यहाँ में जो पालतू बोल रहे हम भी इन लोग का शक्ल को देखने मन नहीं है, चलिए यहाँ से। आप आ रहे कि नहीं? आ रहे तो तंजा समझ गया ना, बातें मिलती है ठीक है। देखो दूसरे का बीवी को कितना स्मार्ट है, सीखो। दिन भर काम धंधा नहीं है, कुछ बोलने से रोते रहता है। जाओ रोते रहो करके दिमाग खराब करता है। और ये ताई का बीवी ना, क्या लड़का लोग लड़की का काम नहीं कर सकता है क्या? साला करके दिखाएगा तभी पता चलेगा। हाँ सर। हाँ हेलो तन्या, क्या हो गया इतना देरी, अभी तक क्यों नहीं आ रहा है? हाँ सर 15 मिनट। 15 मिनट हमेशा कहते रहना तंगी है, जल्दी आओ। ओ भाभी जी थोड़ा सा यहाँ आई तो। भाभी जी याना ने आपको ये वुमेन कमीशन ऑफिस का ये लेटर भेजा है और आपको ये बोला है कि इसमें साइन कर देने के लिए, और बोल रहा था कि अगर आप वुमेन कमीशन ऑफिस में कंप्लेन करेगा तो आपका तंजो का सजा भी मिल सकता है। याना खुद आके देना चाहता था पर वो आपका पति से गुस्सा होने के कारण नहीं आ पाया। ताई जी वो जैसे भी है मेरा अपना है, और वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ भी गलत करें। असली वुमेन एम्पावरमेंट को तो दिल से समझना पड़ता है, बिना किसी के साथ गलत करे, बिना गलत सोचे। आप चिंता मत करिए, आप याना को बोल दीजिए हम सब कुछ संभाल लेगा, आप ये वापस ले जाइए। तान्या क्या हो गया? अगर ये प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया ना तो हम तू को निकलेगा, समझे? बोस हम खाना खा रहे।
पत्ते से जी जल रहे। यमी मत रो ना, सॉरी हम आपको ओवर एस्टिमेट कर दिया, हमको पता नहीं था इतना तकलीफ होता है उनके, अभी से नहीं करेगा, मत रो ना, आप ही करो ये काम, हम नहीं सकेगा, ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है, कर दो ना। हम तो आपको समझाना चाहता था, आपका प्यार पाना चाहता था, इसीलिए हम ये सब नाटक किया। चिंता मत करिए, मैं कर देती हूँ। चलिए उठिए, और हाँ बच्चों की तरह रोना बंद कीजिए। चलिए मत रोइए, चलिए।